man's brain is 10% bigger than a woman's brain? Really? Excuse me. Oi, hello, wait. But according to Google, the female brain works faster. तू और तेरा गूगल, मैं तो कहता हूँ बाबुलनाथ मंदिर के बाजू में गूगल का मंदिर होना चाहिए। जय गूगल, जय गूगल, जय गूगल। According to Google, 12% of road accidents इसीलिए होते because लोग मोबाइल फोन। इतनी सी चोट के लिए इतने सारे टेस्ट, is it really necessary? आप ये टेस्ट करवा लीजिए, otherwise you're going to blame us. No ma'am, nobody's going to blame you. मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब एक्सीडेंट हुआ था मैं वहीं मौजूद था। It was not a major one. तो फिर आप यहाँ आए क्यों हैं? आप घर पर ही बैंडेज करवा सकते थे। आजकल पढ़े लिखे लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है, खुद को डॉक्टर समझ लेते हैं। डॉक्टर, वो लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं। अरे इतना साल हो गया तुमको काम करते करते, फिर भी पेशेंट के साथ बात कैसा करने का तुमको नहीं मालूम? अरे बाबा टेल देम, सीजरियन इज एब्सोल्युटली सेफ, एकदम सेफ छे। बट डॉक्टर, वो लोग कह रहे हैं कि जब तक नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं जाती वो लोग वेट करेंगे। अरे नॉर्मल डिलीवरी होएगा तो बेटा हॉस्पिटल में माल कहाँ से आएगा? हा? और तुम्हारा सैलरी कहाँ से आएगा? नॉर्मल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल, यू मस्ट गो फॉर सी सेक्शन। वेट करेगा तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा उनको दो चार बड़ा बड़ा मेडिकल टर्म्स चिपकाने का। मैडम आपके 70,000 पेंडिंग। लेकिन कल ही तो 10,000 का पेमेंट किया था। ये देखिए हेमा माथुर 601, ये अंकल को दे दो। मम्मी के पास जाएंगे? विवेक सर 601 बिल पे किया इन्होंने? जी सर। स्लिप दे दो। ये स्लिप दिखाकर आपको अपनी बीवी की बॉडी मिल जाएगी। ठीक है। बॉडी? ऐसे क्यों कह रहे हैं आप लोग? मतलब ये है कि कल रात को आपकी बीवी की डेथ हो गई है। डेथ हो गई? कब? अरे कल रात भर तो मैं यहीं बैठा था अपनी बच्ची के साथ, मुझे बताया क्यों नहीं आपने? अरे कम से कम इसने अपनी माँ को आखिरी बार देख तो लिया होता। सुबह होते आप लोगों ने मुझे पैसे लेने के लिए भेज दिया, वापस आया तो बिल की लाइन में लगा दिया, बताया तक नहीं कि वो मर गई है। देखिए मेरा काम है पैसों का हिसाब करना, पेशेंट का नहीं। और वैसे भी हम ये इन्फॉर्मेशन बिल पेमेंट होने के बाद ही देते हैं, क्योंकि फिर तो आप जैसे लोग बिना बिल पे किए ही चले जाएंगे ना। अरे सर, वो रात को ही मर गई थी और मुझे बताया तक नहीं कि वो मर गई है। पिछले एक हफ्ते से जितने पैसे आपने मांगे मैंने आपको दिए हैं, ये लीजिए और लीजिए, सारे पैसे ले लीजिए। मेरी बच्ची को उसकी माँ से मिला सकते हैं आप एक बार? लुक मिस्टर, ये एक हॉस्पिटल है, प्लीज डोंट क्रिएट अ न्यूसेंस। शट अप। इधर के यही रूल्स हैं, अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है तो बाजू में सरकारी अस्पताल है वहां पे जाइए। 12,000 रुपीज, इसमें मैं शॉपिंग कर सकती थी, क्या कुछ नहीं कर सकती थी। एक काम करो तुम, चलो मैं आता हूँ। अभी तुम किधर जा रहे हो? मैं तो मुझे काम है, मैडम को वर्सोवा ले जाओ। जब अरे अम्मा साइन करिए तभी डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा, यहाँ करिए। ठीक है, देख ये लो, ये शमशान में दे देना, चल रे। सब कुछ तो चूहे में उड़ा दिया, अब इन दोनों की परवरिश कैसे करूंगी? हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, सारे काम भगवान खुद नहीं करता, कुछ काम हम जैसे शैतानों के लिए छोड़ देता है। डॉक्टर, डॉक्टर साहब, इनको बचा लीजिए, ये तीसरी मंजिल से गिर गए, उसके बाद कुछ बोल नहीं, कैसे भी करके इनको बचा लीजिए। नर्स, इनको इमरजेंसी वार्ड में ले जाओ और आप पहले एडमिशन फीस भरवा जाइए। आप पैसे की फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ भर दूंगा, आप कैसे भी करके इनको। डोंट वरी, रिलैक्स रिलैक्स। इंश्योरेंस करवाया था अपने पति का? नहीं। आओ कराते हैं। ये मर चुका है, इज ऑलरेडी डेड डॉक्टर। लेकिन उनको थोड़ी ये मालूम, जब तक उनकी जेब में माल है तब तक इसमें जान है। ये लीजिए बिल। पेशेंट का नाम क्या? बलराम नागपाल। स्टार्ट ट्रीटमेंट, चालू करो।
हालत बहुत खराब है, ये दवाइयाँ और इंजेक्शन है, इन्हें अभी जाकर फार्मेसी से जल्दी लेकर आओ। क्विक क्विक क्विक, फार्मेसी कहाँ? राइट में। नर्स, गेट मी एन ऑक्सीजन सिलेंडर राइट नाउ। 7300। जरा बिल पेशेंट के नाम पे बनाना। जी। बलराम नागपाल। ठीक है। इतना धीरे क्यों आ रहे हो? पता नहीं है कि इमरजेंसी है? मुझे नहीं पता था कि मेरे भाई की हालत इतनी बुरी है, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब द डॉक्टर, ओके? आप वहाँ पर जाके बैठो। ये ले, एक और लॉट। जा, वापस केमिस्ट को दे आ। ये ले। ठीक से लिखना, कमीशन के टाइम पे ना तू बहुत किक किक करता है। अरे निकला, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। एक्सक्यूज मी, प्लीज कम। जी देखो भाई, इनका केस बिगड़ता जा रहा है, हेमरेज है, आई थिंक न्यूरोसर्जन को बुलाना पड़ेगा। आप भगवान को बुला लीजिए, बस उनको ठीक कर दीजिए। आर यू श्योर? श्योर। उनकी फीस 2,00,000 रुपए है। कोई बात नहीं, मैं अरेंज कर दूंगा। ओके, नर्स डॉक्टर वर्मा को फोन लगाओ। ठीक है, चलो। बिल पेशेंट बलराम नागपाल के नाम पे बना। जी। बड़े डॉक्टर आ गए हैं, हम उन्हें बचा लेंगे। हाँ। कैसे लोग हैं ये, मुर्दे को भी नहीं छोड़ते। अब आगे देखना क्या नाटक करते हैं लोग। यार तुम लोग भी फंसवाओगे किसी दिन, ये बॉडी तो डिकम्पोज होना शुरू हो गई है, ज्यादा देर ड्रामा नहीं चल सकता। अरे सर, जब बकरा खुद हलाल होने आया है तो बिरयानी बनेगी भी और हम सब में बटेगी भी। इससे पहले देर हो जाए ड्रामा शुरू कर दो। अब ये नाटक खत्म होने वाला है। आपको वीडियो चलाना आता है फोन का? हाँ। अभी डॉक्टर साहब आएंगे, सिर्फ उन्हीं का वीडियो लेना। आएंगे मुंह लटका के, बोलेंगे आई एम सॉरी, द पेशेंट इज नो मोर। काश आप लोगों ने मुझे पहले बोला होता। एक्सक्यूज मी। जी डॉक्टर साहब। आई एम सॉरी, पेशेंट इज नो मोर। काश आप लोगों ने मुझे पहले बुला लिया होता। डॉक्टर साहब एक बार कोशिश करिए प्लीज। अरे समझने की कोशिश करो, ही इज डेड। सर आप स्पेशलिस्ट हैं, आप एक बार कोशिश करके देखिए। आप कैसी बात कर रहे हैं, ये कैसे इलाज करेंगे, वो मर चुका है। क्यों, मरो का इलाज नहीं होता क्या? ऑब्वियसली कोई मरे हुए का इलाज कैसे कर सकता है? क्यों नहीं हो सकता, ये पाटिल हॉस्पिटल है, मरे हुए का इलाज हो सकता है। पागल हो गए क्या, मरे हुए आदमी का कौन इलाज कर सकता है? क्यों नहीं हो सकता, मैं पागल हूँ? ये देखिए पढ़िए, ऐसे क्या लिखा है इसमें, पढ़िए। सिंपल हॉस्पिटल, डॉक्टर देशमुख सर्टिफाइड डेथ एट 11:25 AM, पेशेंट्स नेम रामनाथपुर। जब पेशेंट मर गया है तो आप लोग अंदर बैठ के क्या अपने 6 घंटे बैंड बजा रहे थे? ये पेशेंट का डेथ सर्टिफिकेट नहीं, ये इस हॉस्पिटल का डेथ सर्टिफिकेट है, समझे? तुम लोग पेशेंट को टोपी पहना सकते हो ना, तो मैं क्या फोटो कॉपी नहीं निकाल सकता? कितनी चाहिए बोलो। क्या हुआ, सांसें रुक गई? स्पेशलिस्ट बुलाऊं? ये आपका बिल है, आप और 3,00,000 रुपए काउंटर पे जमा करके बॉडी ले जाइए। यह बॉडी अभी कहीं नहीं जाएगी जब तक आप लोग 50,00,000 का चेक शांति नागपाल के नाम का नहीं बना दोगे। What? चलिए आप लोगों का नाटक खत्म हो गया, बुलाएं अपने बॉस को। कम ऑन, बॉस को बुलाएं। कम ऑन, आउट आउट आउट। Good shot.